माला बेटे तुम खाना खाने नहीं गई? नहीं मैनेजर साहब, मैं घर से खा के आई हूँ। तो कोई बात नहीं, अभी लंच टाइम है, थोड़ी देर आराम करो। जी मुझे काम अच्छा लगता है। सेठ जी, यही वो लड़की है जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था। ऐसी शुभ कदम है, जब से दुकान में आई है दुकान की बिक्री दुगनी हो गई। नमस्ते। आप अंदर आइए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे। नहीं कोई बात नहीं, आप कहिए ना कहिए, मैं समझ गई। ये लो अपनी आज तक की तनख्वाह और ये लो चेक। ये किस लिए? तुम्हारा एक बरस का एग्रीमेंट है ना, ये तुम्हारे बाकी महीनों की तनख्वाह है। ये नहीं चाहिए मैनेजर साहब, हम बगैर काम किए की तनख्वाह या बख्शिश नहीं लेते। भगवान तुम्हें सुखी रखे। नमस्ते। शशि जल्दी कॉलेज जा वरना लेट हो जाओगी। मैं कॉलेज जाकर ही क्या करूं? क्यों? इसलिए कि कभी किताब है तो कॉपी नहीं, कॉपी है तो किताब नहीं, दूसरों से मांग मांग कर कहां तक पढ़ूं? और फिर ऐसी पढ़ाई से फायदा ही क्या है? तुम्हारे पास पूरी किताबें नहीं है क्या? कहां ला कर दे तुम्हें? मम्मी ने तुम्हें पैसे नहीं दिए? पूछो कब ला कर दे। मम्मी, मम्मी क्या है माला? आपने शशि को किताबों के लिए पूरे पैसे नहीं दिए? राशन नहीं था घर में, इसलिए कुछ रुपए कम पड़ गए। लो शशि, बाकी किताबें ले लो। किताबें तो ले लो, मगर ये हर महीने फीस और ड्यूज का झगड़ा पड़ता है। वक्त पर तुम रुपया देती नहीं, क्लास में मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मैं नहीं जाऊंगी। दीदी तुम्हारी तरह नौकरी क्यों ना करो? ये नहीं होगा। लो किताबें, फीस और तमाम ड्यूज जाके भर दो। ये सब रुपया दे दिया तो ये हमारे खाने पीने का क्या होगा? इसकी फिक्र तुम मत करो, ये मेरा काम है। तुम जाओ। मुन्ना तुम भी चलो। लो। I am sorry madam, there is no vacancy. जी मैं टाइपिंग भी जानती हूँ। भाई एक मर्तबा कहा ना नौकरी नहीं है, आप जाइए। हाँ सेठ जी, भगवान की मेहरबानी है। माला आप इधर आइए। आपको इस दुकान पे आने की क्या जरूरत थी? दीप को भेज दिया होता। दीप घर छोड़कर चला गया। क्यों? चिट्ठी छोड़ गया कि मैं अपनी हरकत पर शर्मिंदा हूँ। घबराइए नहीं, वो वापस आ जाएगा। मैं इसे भेज दूंगा, आप मेरे साथ आइए। आइए। पैसों की बहुत सख्त जरूरत पड़ी होगी आपको। जी नहीं तो इन्हें बेचने क्यों आती? मगर आप तो नौकरी करते हैं ना? मगर वो सहारा भी जाता रहा। क्यों, क्या हुआ? नौकरी छूट गई। ओहो, देखिए आप कल तक इन्हें बेच के जरूर पैसे ला दीजिए, जब तक नौकरी ना मिली घर गुजारा करना है। घर के गुजारे के लिए क्या ये जरूरी है कि आप नौकरी करें? तो और क्या करें? शादी कर दीजिए। ये मैं सोच भी नहीं सकती जब तक डैडी वापस ना आए। तो फिर किस किस्म की नौकरी पसंद है आपको? कैसी भी। तो आइए फिर, मगर मेरे साथ काम करने में आपको कोई एतराज तो नहीं होगा?